वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास है स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक। एंड मैंने ये सोचा कि डज इट मेक सेंस फॉर समवन टू बाय अ डीजल कार और अ पेट्रोल कार। तो आज हम ये वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ऑटोमेटिक और मैनुअल का थोड़ा हम साइड में रखते हैं, वी विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट इट, बट डीजल और पेट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। एंड दूसरी जो मेन बात है दैट दिस वीडियो ऑल्सो अप्लाइज टू XUV 700, कैन अप्लाई टू अदर कार्स ऑल्सो। आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक अबाउट कि इसमें डीजल के क्या ड्रॉबैक्स है। जैसे बहुत सारे मिथ्स है कि डीजल गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, जो भी है वील टॉक अबाउट इट। काफ़ी स्टेट्स में भी आपको एक कम टेन्योर के लिए गाड़ी मिलती है। तो चलिए ये सब के बारे में आज बात करते हैं। एंड बिफोर वी डू दैट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली डू गिव इट अ सब्सक्रिप्शन। नीचे बटन है, सो डू क्लिक ऑन दैट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को दो तीन चीज़ों के बारे में बताना है। मेरी गाड़ी जो है वो डीजल ऑटोमेटिक है। दिस इज़ BS6 वर्जन। सो इसमें DEF भी आता है, विच आई हैव टू पुट, जो मैंने डाला हुआ है। सो आई हैव एन अपडेट ऑन दैट ऑल्सो कि उसका प्रोसेस कैसा है, क्या है। सो अगर आप एक डीजल गाड़ी ले रहे हैं तो ये वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या मैं कुछ डालना भूल जाता हूँ तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो एंड आस्क मी योर क्वेश्चंस एंड आई रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू ऑल, सो डेफिनेटली डू दैट। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज के बारे में। सो गाड़ी की जो एवरेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड दिस इज अ रैंडम एवरेज। लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आपको आप एवरेज आराम से इतना निकल जाता है, बट जो है वो है। अभी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ज़्यादा आप इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आप एक्सीलेटर दबाओगे, गाड़ी आगे जाएगी, दैट्स मोर ऑर लेस इट, राइट? और कुछ और क्या ही कर सकते हो आप इसमें। सो एनी विच वे मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ। ये एवरेज अगर आप देखेंगे तो रैंडमाइज्ड एवरेज है, 5.8.6 KMPL का एवरेज दिखा रहा है ये। एंड स्कॉर्पियो में ना आपको ये ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, देयर इज ज़ैप, ज़िप एंड ज़ूम। सो ये तीन मोड्स है। आई ट्राई टू कीप इट ऑन ज़िप बिकॉज दैट इज़ द मोड विच इज़ बेसिकली विच हैज़ द इको मोड काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज़ द लोएस्ट सेटिंग। सो एवरी टाइम आप गाड़ी में बैठते हो आपको ये मोड अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, वरना बाई डिफॉल्ट ये ज़ैप पे ही चलती है। सो 8.6 KMPL का मुझे एवरेज मिल रहा है, 586 रेंज दिखा रहा है, टैंक ऑलमोस्ट फुल है बिकॉज आई फिल्ड इट अबाउट 2 days अगो, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द एवरेज विच आई एम गेटिंग। एंड अब अगर मैं ड्राइविंग के बारे में बात करूँ तो आई कीप इट ऑन ड्राइव एज आई सेड एंड आई प्रेस द एक्सेलरेटर, दैट इज़ इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन दैट। एंड बट मुंबई सिटी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू कार्स एंड द प्लेस वेर आई स्टे और वेर आई गो जनरली फॉर माई वर्क, इट इज़ वेरी, देर इज़ लॉट ऑफ ट्रैफिक। सो बिकॉज ऑफ दैट आप मेरा ये एवरेज इतना ही आता है। ये पहली गाड़ियों में भी ऐसे ही आ रहा था, ये अभी भी ऐसे ही आ रहा है। सो द गुड पार्ट इज दैट ये जो स्कॉर्पियो का इंजन है, इट इज़ अ 2.2 liter इंजन। सो इट्स अ लार्ज इंजन, लॉट ऑफ हॉर्स पावर, 174 हॉर्स पावर। एंड विद दैट ऑल्सो इफ आई एम गेटिंग एन 8.6 एवरेज इन सिटी वेर आई नो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एंड अगर आप डीजल कंसिडर कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग कितना भी अच्छा हो ऑटोमेटिक में, आपको ये एवरेज एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका एवरेज मैक्स टू मैक्स, अगर आप, मैं बहुत ख़राब चलाता हूँ तभी भी आपको 9 to 9.5 के बीच में मिलेगा, उससे ज़्यादा आप होप भी मत करना। हाँ, अगर आप खुले स्ट्रेच ऑफ रोड्स पे ज़्यादा चलाते हो, ज़्यादा आपका एक पर्टिकुलर गियर में रहता है, एक पर्टिकुलर आरपीएम में गाड़ी रहती है, तो फिर आपको एवरेज ज़्यादा मिल सकता है, जो 11-12 आप ज़्यादा खींच सकते हो। अच्छा, ये गाड़ी के साथ मैंने रोड ट्रिप भी लिया है, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। वो व्लॉग्स में मेरा जो मैक्सिमम रहा है माइलेज, एंड दोज आर सिटी, मतलब आई हैड डन फ्रॉम मुंबई टू इंदौर, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रेच ही है वो। सो वहाँ पे मुझे एवरेज मिल रहा था 13 का, मैक्सिमम 13 मुझे एवरेज मिला है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिला है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली है, तो उसकी वजह से इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू हैपन, बट आई डोंट नो। ये मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है ऑन द माइलेज।
एंड नथिंग टू ब्लेम विद द कार, आई रियली लव हाउ द कार ड्राइव्स. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द DEF. इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार, आपने आप अभी अभी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको ये DEF वाला टॉपिक जो है वो आपको देखना ही पड़ेगा और आपको जानना ही पड़ेगा. ओके, सो पहले DEF क्या करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू टेक्निकल, आई एम गोइंग टू कीप इट एज सिंपल एज इट कैन बी. DEF जो है, बिकॉज डीजल गाड़ियों में डीजल इंजन से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलता है, सो बिकॉज ऑफ द न्यू नॉर्म्स जो BS6 के नॉर्म्स है, 6.2 के नॉर्म्स है, उसमें ये एक लिक्विड मिक्स किया जाता है ताकि वो एक प्रॉपर फ्यूम्स जो है, मतलब जो हार्मफुल फ्यूम्स है वो ज़्यादा बाहर ना आए, वो एक चेम्बर में स्टोर हो जाता है. तो जो भी टॉक्सिक है वो एक चेम्बर में स्टोर होता है, उसको DEF रीजन भी बोलते हैं. सो देर इज अ रीजनरेशन प्रोसेस विच ऑल्सो हैपन्स, जो बेसिकली आपकी गाड़ी आप आधे पौने घंटे तक चालू रखोगे, वो गाड़ी में से पूरा का पूरा सब जो भी केमिकल है वो सब एक पॉइंट में बाहर आएगा, बट दैट इज सपोज टू बी स्लाइटली सेफ विद द DEF लिक्विड विच यू टॉप अप. आई होप आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट एज क्लियर एज पॉसिबल. अब ये जो DEF है, ये जनरली 10,000 किलोमीटर्स तक चलता है. सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 10,000, आपको एक बार में एक DEF टैंक में 10,000 किलोमीटर्स होगा. अब मेरे साथ जो हुआ वो ऑब्वियसली, मैंने गाड़ी खरीदी, इट वॉज एट 100 किलोमीटर्स या उससे भी कम था. आई ड्रोव इट टू अबाउट 6,000 किलोमीटर्स एंड माई DEF वेंट टू ऑलमोस्ट 30% और 25%. Then also it was saying that the car will still run for 2000 kilometers. It gives reminder. So at least Mahindra, it gives reminder. So अगर आप ये ऐसा कुछ डीजल लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये DEF वाला लिक्विड तो डालना पड़ेगा. एंड ये इतना अबाउट 10,000 किलोमीटर्स तक चलता है. सो दिस इज हाउ इट इज. मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या. लुक एट दिस, महिंद्रा में ये ऐसा दिया गया है कि आपको DEF का एक लेवल इंडिकेशन होगा. अभी आप देखेंगे तो 90% पे है, रफली अबाउट 6,000 पे मैंने भरवाया था एज आई सेड, तो ये 90% पे आ गया है. अभी ये वापस मैं zip पे डाल देता हूँ. सो ये बार बार जब भी गाड़ी रिस्टार्ट होती है तो ये चेंज होता है, बट एनी वे. सो ये टॉपिक्स जो है वो आई थिंक इज प्रीटी क्लियर कि DEF का एंड माइलेज का. अब आपको चाहिए तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि DEF भरते कहाँ से है. सो वील जस्ट लुक एट दैट वेरी क्विकली. ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज हाउ इट इज. यहाँ पे आप डीजल है, यहाँ पे DEF है. मैंने इसका पूरा फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो मैंने डाला है मेरे चैनल पे, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सी दैट प्रोसेस. सो हमने माइलेज की बात कर ली, हमने DEF की बात कर ली. ये दोनों चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं. अब बात आती है कि आपको आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए या फिर EV भी है तो शुड यू कंसिडर दैट. सो जो किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं, आपका आपका ड्राइविंग बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और आप बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं, तो यू कैन कंसिडर एन EV. वेरी फ्रेंकली नॉट गोइंग बाई एनीथिंग एल्स, बट ये जो चीज़ है. या फिर अगर आपका कम्यूट है कि आप मुंबई टू पुणे जैसे जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑफ चार्जिंग, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं. पेट्रोल इज़ एनीवेयर बिटवीन 500 टू 1000 किलोमीटर्स अगर आप मंथली चलाते हैं तो आप पेट्रोल ले सकते हैं, या उससे आपकी कम ड्राइविंग है या थोड़ी ज़्यादा है से 1500 तक, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन आपकी अगर ड्राइविंग 2000 है, 3000 किलोमीटर्स पर मंथ है, तो आप वो डेफिनेटली आपको डीजल ही लेनी चाहिए. इट मेक्स मोर सेंस. अभी अगर मेरी भी गाड़ी आप देखेंगे तो मेरी गाड़ी 5 महीने चली है मोटा मोटा, एंड आई हैव अ 7000 किलोमीटर्स ऑलरेडी ऑन द क्लॉक. तो 7000 किलोमीटर्स मुझे तभी भी जस्टिफाइड लग रहा है फॉर अ डीजल कार, बिकॉज ऑफ जो डीजल होता है वो एक 10 रुपीज़ चीपर होता है, बट येस एट द एंड ऑफ इट आप उसको 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू पेट्रोल. बट इतने बड़े इंजन्स में जैसे स्कॉर्पियो है, XUV है, उसमें आपको इट मेक्स सेंस बिकॉज इंजन इतना बड़ा है कि इट ईट्स दैट काइंड ऑफ फ्यूल. सो आपको वो भी देखना है कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कितना इंजन है, क्या कैपेसिटी है. सो कोई भी डाउट हो, डोंट वरी, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम फॉर यू. बट अगर आप ये सब कंसिडर करके ही आप गाड़ी लीजिए, जैसे टू बी फ्रैंक, मैं एक पेट्रोल वर्जन लेने वाला था स्कॉर्पियो की, पेट्रोल ऑटोमेटिक. दैट कार वॉज शोइंग 5 to 6 किलोमीटर्स, इवन 4 किलोमीटर्स, एंड मुझे
मुझे ऐसे समझ में आया था कि अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल पे भी इसको चालू रखूँ, और मुंबई में कभी कभार ट्रैफिक सिग्नल्स गो फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स बिकॉज आपको 3-4 टाइम सिग्नल लग जाता है, तो उसमें आपका एवरेज 4 या 3 तक भी जा सकता है. सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी. सो आई सेड ओके लेट मी गो फॉर अ डीजल. एंड मेरा रनिंग भी काफ़ी डिसेंट है, इट्स नॉट दैट लाइट कि मैं पेट्रोल ही लूँ. सो दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज. अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज आई सेड. नाउ द लास्ट थिंग इज दैट आपको अगर डीजल लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डज इट मेक सेंस? लाइक यू हैव समथिंग कॉल्ड एज यू नो, जैसे कोई कोई स्टेट्स में हमारे सिर्फ 10 ईयर्स के लिए डीजल गाड़ी आती है. सो सी अकॉर्डिंग टू मी आप अगर एक गाड़ी ले रहे हैं 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम. ओके दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम. एंड ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में आई थिंक 10 ईयर्स के बाद जो गाड़ियाँ होती है वो जनरली आर नॉट केप्ट दैट वेल. अगर आप वो सिटीज़ में हैं तो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है. अगर आपको 15 ईयर्स तक गाड़ी चलानी है तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है टू बी फ्रैंक. बट अगर आप ये सब के बारे में सोच रहे हैं अबाउट द फ्यूल कॉस्ट अबाउट एवरीथिंग, तो फिर 10 ईयर्स के लिए आपको डीजल ले लेनी चाहिए. अल्टीमेटली आपको वो बेटर पड़ेगी. यू कैन ऑलवेज डू द कैलकुलेशंस बट मेरे हिसाब से दैट विल बी मच मच बेटर फॉर यू एंड देन यू कैन चेंज योर कार. ओके नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ द मेंटेनेंस पार्ट. सो मेंटेनेंस में आई वुड ऑल्सो हैव द डी एफ पार्ट इन टू मेंटेनेंस बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स. रीजन पार्ट इन टू द मेंटेनेंस कि आपको गाड़ी रीजन करनी पड़ती है. सो ये एक प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ही ज़्यादा लेना पड़ेगा अंडर मेंटेनेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गाड़ी हाँ अगर आप यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू टेक इट आउट. रोज़ ज़रूरत नहीं है बट एटलीस्ट हफ्ते में एक दो बार आप गाड़ी चालू करिए, उसको थोड़ा घुमाइए, दैट विल बी बेटर. पेट्रोल इज़ स्लाइटली बेटर इन दैट वे. आप अगर 2-3 हफ्ते में भी एक बार गाड़ी चलाते हैं तो दैट शुड बी फाइन. बट येस एट द सेम टाइम यू नीड टू लुक एट दैट. एवरी कार हैज़ गॉट इट्स ओन प्लस एंड माइनसेस. ईवी में यू कैनॉट हैव यू कैनॉट कीप द कार एंड यू नो यूज इट वंस इन अ मंथ. द बैटरी माइट नॉट लास्ट बिकॉज इट फॉर कीपिंग द बैटरी वॉर्म द कार विल डू वेरियस थिंग्स एंड देन अगेन डिप्लीट द बैटरी. सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. बट फ्रॉम अ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू 6 महीने से तो मैं ये चला रहा हूँ. उसके पहले भी आई हैव हैड अ डीजल कार, आई हैव हैड पेट्रोल कार्स ऑल्सो. मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता है दोनों में. इट्स प्रिटी गुड. अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर. सो ये है. एंड दूसरा कि महिंद्रा है, टाटा है, दीज कार्स जो भी डीजल के हैं दे आर इवन पेट्रोल दे आर गिविंग यू अ सर्विस टाइम लाइन ऑफ 1 ईयर. सो आपको वो भी है. एंड प्लस टोयोटा है, ऑल दीज पीपल दे आर गिविंग यू 1 ईयर का टाइम लाइन. सो यू नीड टू कंसिडर दैट. तो ये थी कुछ आज की वीडियो. आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज व्हाट इज़ इट टू ओन अ डीजल कार, क्या आपको डीजल खरीदनी चाहिए या नहीं, एंड स्पेसिफिकली डीजल ऑटोमेटिक. मैनुअल के भी ऑब्वियसली सेम चीज़ें हैं बट आई थॉट आई विल पुट इट आउट देयर. एंड कुछ भी तरह के क्वेरीज हो, कुछ भी कमेंट्स हो, लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेरीज एंड रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स. एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग.